मैं शिल्पी दीदी जी पार्ट 3 नागरिक विषय के साथ उपस्थित हूँ। सरकार क्या है, इसका पहला वीडियो हमने आपको भेज चुका था। ये मेरा सेकंड वीडियो है जिसमें आज का टॉपिक है सरकार के विभिन्न स्तर, यानी लेवल कितने होते हैं सरकार के, इसके बारे में आज पढ़ना है। ये प्रश्न है कि सरकार तो कार्य कैसे करती है, पिछले वीडियो में हमने बता दिया, बहुत ही जटिल कार्य होता है इनका और विशाल कार्य होता है इनके। कार्यों को शहर को साफ करना, स्कूल अस्पतालों को संचालन और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के कार्य भी इनमें शामिल हैं। देश की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सरकार का। अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रखना भी इनका जरूरी है, क्योंकि और भी जगहों और देशों के साथ ही अपना संबंध व्यापारिक बनाए रहेंगे तो इनका काम अच्छा चलेगा, ये सारे कार्य जो हैं ये अलग अलग किस्म के होते हैं, लेकिन जनता के लिए बहुत ही आवश्यक कार्य होते हैं। ठीक है, अब स्तरों की बारी आई सरकार की, तो सरकार के 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर हैं, 3 कौन कौन से स्तर हैं ये जानेंगे। तो स्थानीय स्तर और राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर, ये हमारे 3 स्तर हैं। स्थानीय, राज्य और केंद्रीय स्तर पर सरकार कार्य करती है। स्थानीय का मतलब होता है किसी स्थान विशेष या इलाके के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक जैसे अधिकारियों का द्वारा प्रशासन करना, यह स्थानीय होता है। जैसे हम लोग बेतिया में हैं तो यहाँ के DM हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है देखते हैं वो है, तो इस तरह स्थानीय स्तर पे स्थानीय अधिकारी काम करते हैं। और राज्य स्तर पे आए तो हमारे साथ हमारे पास राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य विधान मंडल होते हैं राज्य स्तर में। और इसके बाद आते हैं केंद्र स्तर, तो केंद्र स्तर में देखिए हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसदीय सांसद है। ठीक है, ये हमारे 3 तरह के लेवल हैं सरकार के, जो हमारे लेवल के अनुसार ये सरकार कार्य करती है। इसमें तो हम जान ही रहे हैं पहले से कि हमारे 29 राज्य हैं, और 29 राज्यों में समझ लीजिए तो हमारे अलग अलग जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक ये सब हैं। अब आगे आते हैं कि प्रत्येक स्तर की सरकार जो है संविधान के द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार कार्य करती है। संविधान जो निर्धारित कर दिया इनके कार्य को, उसी के अनुसार ये प्रत्येक स्तर के सरकार कार्य करती है। अब आते हैं कि निर्णय लेना और सहभागिता, ये किसकी जिम्मेदारी है। तो ये जब स्तर हमें मालूम हो गए कि 3 लेवल के स्तर हैं, तो अब आते हैं कि निर्णय कौन लेता है। तो सरकार का मुख्य कार्य होता है कानून बनाना, हमने पिछले वीडियो में भी बताया है। भारत में अपने लोकतंत्र की स्थापना भी जब हुई तो लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय लिए जाते थे। इसे सामूहिक रूप से निर्णय लेने की पद्धति कहते थे। सभी निर्णय जो थे विचार विमर्श और वाद विवाद के लिए लाए जाते थे, और निर्णय लेने के बाद मतभेद भी होता था कि नहीं ये काम सही नहीं है, ये काम ऐसे है। तो जब हमारे प्रतिनिधि जो होते थे किसी एक विषय पे एकमत नहीं होते थे, तो ऐसे मामले में बहुमत तय किए जाते थे कि भाई अब मताधिकार के अनुसार ये कार्य होगा। ठीक है, अब मत ज्यादा होगा जिस विषय के लिए वही कार्य होगा। चुने हुए प्रतिनिधि जो होते थे उसमें से, तो अभिव्यक्त विचारों को संपूर्ण जनता के विचार को मान लिया जाता था। जो जनता कहती थी, अगर ज्यादा वोटिंग रहता था उनका तो उन्हीं के बातों को माना जाता था। इसका अर्थ यह हुआ कि निर्णय लेने की प्रक्रिया जो होती थी उसमें सबकी भागीदारी होती थी, सभी लोग निर्णय लेते थे। और सरकार को सुचारू रूप से काम करने के लिए सामूहिक निर्णय जरूरी होता था। यह पद्धति जो थी समाज की परिपक्वता और समझदारी को प्रकट करती थी सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन ये देखिए कि विविधता में एकता का सुंदर उदाहरण इन लोगों ने दिया है कि लोगों की राय अलग अलग हो सकती थी, लेकिन बहुमत से लिए गए जो निर्णय होते थे उसी के अनुसार कार्य हमारे तैयार किए जाते थे। ठीक है, अब देखिए कि कहेंगे कि समाज के व्यापक हित के कार्य करने के लिए सहमत हो गए ये लोग और ये सहभागिता देने लगे। तो ये इस तरह से लोगों की सहभागिता होती थी निर्णय लेने में, किस तरह से ये हमने बता दिया मताधिकार के दौरान। अब आते हैं सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार के बारे में पढ़ेंगे। सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार जो था उसमें देखिए कि परिवार के कितने सदस्य हैं उनको चुनाव के लिए वे लोग वोट डालते थे। भारत में मतदान की आयु क्या है और चुनाव क्यों होते हैं इसके बारे में जानेंगे व्यस्त मताधिकार के थ्रू। ठीक,
हमारे यहाँ व्यस्त मताधिकार जो होता था वो 18 वर्ष से की आयु से जिनकी होती थी वही मताधिकार देने के अधिकारी होते थे। मताधिकार का अर्थ क्या होता है ये बताते कि मत यानी वोट देने का अधिकार। यह एक सफल गणतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक है कि मताधिकार देना है या किसको देना है। जब यह अधिकार सभी व्यस्त और बारीक लोगों को उपलब्ध होता था तो इसे सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार कहा जाता था। ठीक है, हमारे देश में अधिकतर इसका प्रयोग हमारे देश जो है उसमें इस अधिकार का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो भारत का नागरिक हो और जिनकी आयु 18 वर्ष से कम न हो। सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार इसलिए जरूरी है क्योंकि देश के शासन में भागीदारी जो ले उन सबका अधिकार होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए कि देश के शासन में भागीदारी ले और राजनीतिक समानता की स्थापना हो। और लोकतंत्र को देखें तो जनता की जनता के लिए और जनता के द्वारा स्थापित जो सरकार होती थी उसी को लोकतंत्र कहा जाता था। ठीक है, लोकतंत्र के दौरान अंतर्गत सरकार को चुनना, सरकार उन्हीं सभी लोगों के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती थी जो कि जिसको चुना जाता था, लोग जिनको चुनते थे और उनको मेन बना देते थे। ठीक है, सरकार की सफलता देखिए किस तरह से प्रभावित करती थी, उसके कारक कौन कौन से हैं कि सरकार की सफलता को प्रभावित करने वाले काम कौन कौन से हैं। तो देखिए कि सरकार जो है लोकतंत्र की सफलता तीन बातों पर निर्णय होती है, तीन बातों पे निर्भर करती है कि लोकतंत्र किस तीन बातों पे निर्भर है ये जानेंगे। प्रथम तो लोकतंत्र की मांग है कि आम जनता सरकार में सक्रिय रूप से भाग ले, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सब लेवल के लोग। और दूसरे लोकतंत्र में चुनाव जो स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए दूसरे नंबर में, और तीसरे नंबर में कि किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न बरता जाए, सभी लोग कानून की नजर में बराबर हों और लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्रता और समानता सबसे अधिक अत्यंत आवश्यक हो। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार एक ऐसी सरकार है उसे कहेंगे हम जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समाज में उसका उचित हिस्सा मिले, उचित अधिकार मिले। ठीक है, तो ये हमारे सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार के बारे में हमने बताया, ये हमने तीनों टॉपिक आज डील कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।